हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीखो रे टूटू चैनल। मैं प्रिंस तिवारी। दोस्तों, कितने लोगों का सर दोस्तों ये मानना होता है कि दोस्तों मैं पहले ऑलरेडी पहले से वीडियो में बना रखा हूँ कि आपको फैन सीरीज से चेक कर रहे हैं, यानी कि आपको लाइन में एक सीरीज बनाने होंगे बॉल से और उससे पे फैन को चेक कर रहे होंगे दोस्तों। लेकिन कितने वो लोगों के पास होता है सीरीज बनाने नहीं आती है तथा सीरीज बनाना नहीं जानते हैं। उसके बाद में वो सिंपल से कहते हैं कि मल्टीमीटर से कि क्वाइल को कैसे चेक किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं मल्टीमीटर से आपको क्वाइल को चेक करके आपको सीरीज से टेस्टिंग बता दूंगा कि आपको कैसे इसका टेस्टिंग कर लेना है कि ये क्वाइल हमारी कौन सी मेन की है, कौन सी ऑर्थ है और कौन कंडेंसर पे जाएगी दोस्तों। तो आज मैं आज पूरी क्लियर कर दूंगा कि आपको मीटर से आपको क्वाइल कैसे चेक करने हैं। तो दोस्तों मैं आपका टाइम लॉस नहीं करते अपने वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी क्वाइल कैसे चेक की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस करें ताकि वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। हाय गाइस, आप देख रहे हैं सीखो यूट्यूब चैनल, मैं प्रिंस तिवारी। तो दोस्तों आइए आज मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मल्टीमीटर से क्वाइल को चेक करने के लिए आपको कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, बस अपने मल्टीमीटर को लेना है और अपने क्वाइल को लेना है और इजी से अपने क्वाइल को चेक कर लेना है कि आपकी क्वाइल की कंटिन्यूटी बन रही है या नहीं बन रही है, कहाँ से मिसफील्ड है, कहाँ से क्या कर रही है, इसी के बारे में आज मैं पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। आपको ऐसे मल्टीमीटर लेने होंगे, ये नहीं निर्धारित नहीं होनी चाहिए कि ये मल्टीमीटर ये आपकी ऐसा ही हो, कोई भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है और भी मल्टीमीटर हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आज इस मल्टीमीटर पे बताना चाहता हूँ ताकि ये मल्टीमीटर सारे दुकानदार इलेक्ट्रिशियन भाई भाई के पास ये सारी मल्टीमीटर मौजूद रहती है दोस्तों। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर की मैं प्राइस भी बता देना चाहता हूँ। ये मल्टीमीटर की प्राइस 140 रुपये है मार्केट में दोस्तों, ये ऑलरेडी किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान पर मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद में इसको चेक कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्वाइल चेक करने के लिए इसको आपको कंटिन्यूटी पे रखने होंगे, ये चेक कर लेके आपको कंटिन्यूटी पे लाने होंगे दोस्तों। ये देख लीजिए मैं इसकी जो प्रॉड है ये कंटिन्यूटी पे ला दिया हूँ और कंटिन्यूटी पर लाने के बाद अब आपको क्या करना होंगे। कंटिन्यूटी पर लाने के बाद दोस्तों ये देख लीजिए मैं इसमें से चार वायर निकाला है, यानी कि दो रेड और दो ब्लैक। ये देख लीजिए दो रेड और दो ब्लैक। दोस्तों होता क्या है, कोई कोई फैन में दोस्तों तीन ही वायर निकली होती है दोस्तों, क्योंकि तीन वायर निकली होती है तो उसमें समझ में नहीं आती है। लेकिन इसमें चार वायर निकली है इसलिए इजी से समझ में आ जाती है, क्योंकि इसमें दो वायर स्टार्टिंग क्वाइल की है और दो वायर रनिंग क्वाइल की है। लेकिन दोस्तों जिसमें तीन वायर निकली रहती है दोस्तों, आज मेरे पास स्टार्टर उसकी नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन जिसमें दोस्तों तीन वह तार निकली, जैसे सपोज देख लीजिए दोस्तों ये मैंने तीन वायर बना दी है, यानी कि ये दो सीरीज कर दिया है और ये दो वायर बच गई आपकी मेन की। तो दोस्तों आपको इसको चेक कैसे करना है कि इसमें से कौन से न्यूट्रल तार है, यानी कि कौन से आपकी डायरेक्टली तार आपकी जो है वायर से जुड़ जाएगी और कौन से तार कंडेंसर पे टचिंग कराई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पहले आपको कंटिन्यूटी पलाने होंगे, कंटिन्यूटी पलाने के बाद अपने पहले मीटर को चेक कर लेना होगा। ये देख लीजिए दोस्तों आपकी मीटर सही से काम कर रही है कि नहीं, और सही से काम करने के बाद अब देखिए आप क्या करने होंगे। क्वाइल को आपको दो वायरों पे इसकी टच कराने होगी, किसी भी दो वायर पे टच कराएंगे दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों दो वायर पे टच कराने के बाद हमारी मीटर जो है कुछ रीडिंग शो कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो भी हमारी रीडिंग शो कर रही है हमारी सारी क्वाइल से अटैच होकर कर रही है दोस्तों, यानी कि दो रनिंग और दो स्टार्टिंग के क्वाइल को मिल करके, यानी कि सॉरी दोस्तों चार रनिंग और चार स्टार्टिंग क्वाइल मिल करके हमारी जो है इतना रीडिंग शो कर रही है। लेकिन दोस्तों वहीं आप किसी एक स्टार्टिंग या रनिंग क्वाइल पे किसी एक पे लगाएंगे तो आपकी उतनी रीडिंग नहीं शो करेगी। दोस्तों मैंने एक स्टार्टिंग या रनिंग कोई भी हो एक पे लगाया हुआ है तो दोस्तों उतनी स्टार्टिंग नहीं शो करेगी दोस्तों। इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपकी दोनों वायर की कनेक्शन एक साथ मिलाकर के आपका जब मल्टीमीटर पर टेस्टिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग ज्यादा जाएगी, यानी कि अत्यधिक जाएगी। अगर कोई भी सिंगल एक क्वाइल का आप कनेक्शन रीडिंग चेक करना चाहते हैं तो अगर सेलिंग होगी तो मैक्सिमम आपकी 2.34 भी हो सकता है, वो हो सकता है 2.10 भी हो सकता है या 2, यानी कि आपको जो है 2.50 से नीचे ही रहेगी रीडिंग, यानी कि सेलिंग फैन की 2.5 से नीचे रहेगी और जो स्टैंड फैन की होगी वो 2 से नीचे रहेगी रीडिंग। यानी कि देख लीजिए दोस्तों ये हमारी रीडिंग अभी 1.64 शो कर रही है और एक क्वाइल में दोस्तों 1. अब देख लीजिए दोस्तों एक क्वाइल में आपको जो है ये दोनों क्वाइल टचिंग है इसलिए मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो एक क्वाइल में दोस्तों 1.74, यानी कि एक क्वाइल में आपकी 1.64 शो कर रही है, वहीं एक क्वाइल में दोस्तों 1.74 शो कर रही है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों एक वायर, यानी दो वायर इसमें डाली जाती है तो दो क्वाइल में आपको एक क्वाइल की
थोड़ी सी वेट कम की जाती है और एक क्वाइल की दूसरी की अपेक्षा ज्यादा की जाती है, यानी कि आपकी एक क्वाइल अगर 160 टर्न में डाली होगी तो दूसरी क्वाइल जो होगी वो 175 टर्न पे चली जाएगी दोस्तों, यानी कि आपकी नीचे वाले क्वाइल से ऊपर वाले क्वाइल का 15 टर्न अत्यधिक रखा जाता है, इसलिए जो है उस क्वाइल की रीडिंग अत्यधिक शो करती है दोस्तों। तो आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो दोस्तों अगर आपकी जो जिस वायर पे आपको टचिंग कराए हैं उस वायर पे अगर आपको ज्यादा रीडिंग शो कर रही है दोस्तों, अभी आप देख लीजिए हमारी जो रीडिंग है वो 3.31 शो कर रही है, यानी कि ये जो दोनों क्वाइल के अटैच है इसलिए इसकी रीडिंग अत्यधिक शो कर रही है। वही आपकी जो है इधर वाले क्वाइल पे टचिंग कराएंगे यानी कि एक न्यूट्रल और एक फेज, दोस्तों कहने का मतलब ये होता है जिस क्वाइल से आप न्यूट्रल और फेज आप जिस प्रोड को टचिंग कराए हैं उस प्रोड को चेंज न करें, आप दूसरे प्रोड को चेंज करके देखें, जिस प्रोड से आपकी जो दोनों वायर को चेंजिंग कराने पे रीडिंग आपकी जो है 10 पॉइंट की इधर उधर रहती है तो आपकी जो वायर एक प्रोड पे सटाए हुए हैं वो प्रोड न्यूट्रल हो जाएगी, यानी कि जो आपकी जो जिस प्रोड पे आप टचिंग कराए हैं, मान लीजिए इस दोनों प्रोड पे टचिंग कराए हैं तो ये दोनों प्रोड आपकी कंडेंसर की हो जाएगी, मान लीजिए दोस्तों इस पे आप दोनों वायर में इसको टचिंग कराएं तो इसकी रीडिंग अत्यधिक शो कर रही है, इसलिए देख लीजिए दोस्तों इसकी रीडिंग अत्यधिक शो कर रही है। तो जिसमें रीडिंग अत्यधिक जिस फेज में दोनों फेज में जो जिस फेज में आपको टचिंग कराए हैं उस फेज में अगर अत्यधिक रीडिंग शो कर रही है तो आपकी दोनों कंडेंसर की पॉइंट बन जाएगी, वहीं जो आपकी सिंगल एक वायर बचेगी वो आपकी न्यूट्रल बन जाएगी, यानी कि जो डायरेक्ट एक कनेक्शन उठ करके आपकी जाती है फैन के क्वाइल में वो डायरेक्टली इस पे जुड़ाएगी, और जो ये जो दोनों कंडेंसर की वायर होती है ऐसे वायर इस दोनों कंडेंसर के वायर को इसमें आती है दोस्तों। तो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि आपको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है फैन कनेक्शन को। तो दोस्तों अगर आप फैन कनेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा बताया हुआ सुझाव अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं दोस्तों।